हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। ये तीन इशारों से जाने लड़की आपके साथ टाइम पास कर रही है। दोस्तों, रिश्तों की डोर प्यार और विश्वास के बेहद ही कमजोर धागे से बंधी होती है। अगर रिश्ता पति पत्नी का हो या फिर प्रेमी प्रेमिका का हो तो इसमें प्यार और विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब तक प्यार की भावना हो, वफादारी हो, तब तक प्यार जिंदा रहता है। लेकिन आजकल ज्यादातर रिश्तों में कुछ समय के बाद परेशानियां आना शुरू हो जाती है, उन्हें आसानी झेल नहीं पाते हैं और जब तक समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है या फिर टाइम पास करता है? अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे कि आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ टाइम पास कर रहा है और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिसके जरिए से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है या फिर टाइम पास करता है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये तीन इशारों से जाने लड़की आपके साथ टाइम पास कर रही है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सीधा ही हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट के बारे में, शादी नहीं कर सकता। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल संकेत है जो बहुत सारे लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको साफ साफ बोल दिया है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकता तो ये टाइम पास है और कुछ भी नहीं है। आप अपने मन में ये भी सोचते होंगे कि शायद कुछ हो जाएगा या शायद उनका मन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उसने आपसे कह दिया है कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे, जितनी देर साथ रह सकते हैं साथ रह लेते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ टाइम पास है, जो रिश्ता पूरा नहीं हो सकता है उसे टाइम पास के बिना क्या कहेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाना, क्योंकि इस चीज को लंबा खींचने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप जितना लंबा खींचोगे उतना ही ज्यादा दर्द होगा, उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी और उतना ही आप उन लोगों को मिस कर रहे होते हो जो शायद आपका साथ नहीं निभा सकते। दोस्तों मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा, लेकिन ऐसे टाइम पास वाले रिश्तों में रहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे रिश्ते में सिर्फ आपको तकलीफ या दर्द मिलेगा और कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसे रिश्ते को जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करें और उससे दूरी बना लें। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है, वो आपको शादी के लिए मना कर सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ टाइम पास कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी बातें लोग इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इन बातों को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में, सिर्फ मतलब से बात करेगा। ठीक है, वो कभी भी आपको कॉन्टेक्ट नहीं करता है, वो तब आपको कॉन्टेक्ट करता है जब उसको किसी चीज की जरूरत होती है, या फिर उसको आपसे कोई चीज लेनी है या कोई चीज का पता करना है या फिर किसी तरह का मदद चाहिए या फिर वो बोर हो रहा है और उसे टाइम पास करने के लिए कोई चाहिए। वो आपको तभी कॉल करता है जब उसके पास कोई काम नहीं होता है करने को। ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आपसे रात में ही बात करते हैं, लेकिन दिन में वो आपको एक भी मैसेज नहीं करता, थोड़ा सा भी कॉल तक नहीं करता और देर रात को उसे आपकी याद आती है। ऐसे लोग भी टाइम पास कर रहे होते हैं, हाँ जब तक कोई खास कारण ना हो ऐसा करने में, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग नौकरी भी करते हैं, दिन में उनके पास समय नहीं होता लेकिन फिर भी उनके पास इतना समय जरूर होता है। एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज कर सकता है, और एक मैसेज करने में कितना समय लगता है ये तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतलब ही लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं, वो आपके बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों जो रिश्ता मतलब ही से होता है टाइम पास होता है, क्योंकि जब हम किसी की सच में परवाह करते हैं, सच में किसी से प्यार करते हैं, उसकी खुशी, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी जरूरत है, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसे भी अच्छा स्पेशल महसूस हो। लेकिन एक मतलब ही इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। इसलिए दोस्तों आपको मतलब ही लोगों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ आपको रात में याद करते हैं, दिन में आपको एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज भी नहीं करता, छोटा सा प्यारा सा कॉल भी नहीं करता। दोस्तों ऐसे लोगों से रिश्ता रखना बेकोफी होगी। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, बदले में वो आपको सिर्फ रात में कॉल करता है या फिर करती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ टाइम पास कर रही है। दोस्तों इस तरह के रिश्तों से आपको दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तों का कोई भी फ्यूचर नहीं होता। इन टिप्स के जरिए से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं, बस आपको दिए गए टिप्स को सही से यूज करना पड़ेगा, सही से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप पता लगा पाएंगे कि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है या फिर टाइम पास करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दिए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।